आंदोलन समाप्त होने के बाद कई वर्ष गांधी जी ने अपना ध्यान समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। राजनीतिक गतिविधि एक बार फिर बढ़ गई। 26 फरवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। 12 मार्च 1930 में बापूजी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का 240 किलोमीटर पदयात्रा की। उन्होंने यह यात्रा नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाली थी। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, यहां तक कि नमक जैसी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। अहिंसा के साथ शुरू हुई यह यात्रा ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरी। इस यात्रा में असंख्य भारतीय गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। पानी के समान ही हमारी जिंदगी में अहमियत है नमक की, यहां तक कि जानवरों के लिए भी आवश्यक है। परंतु अंग्रेज हुकूमत ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर कर लगाया है। अपना समुद्र का नमक हमें लेना है तो सरकार को कर देना पड़ता है। यह हमें गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून को हम तोड़ेंगे। अहमदाबाद से चलकर दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाएंगे। ये याद रखें कि इस यात्रा के दौरान यदि सरकार हम पर लाठियां चलाएं और गोलियां बरसाएं, हम अहिंसा की राह नहीं छोड़ेंगे। वे हमारे शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दें, फिर भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। चलो, महात्मा गांधी की जय। 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 नमक? हाँ सर, नमक कानून तोड़ने के लिए ही वो ये कर रहा है। नमक तो सरकार की इजाजत और हुक्म से बनाया जाता है। लाइसेंस के बिना उसको तैयार करना और बेचना गैर कानूनी है। उससे हमें कौन सा बड़ा घाटा होगा? उससे रेवेन्यू में कोई घाटा ना होगा, फिर भी ये खतरनाक हो सकता है। कैसे? नमक पर कंट्रोल का मतलब है हिंदुस्तान की नब्ज पर कंट्रोल। उसको नमक बनाना है तो बनाने दो, उसकी कोई अहमियत नहीं यदि हम उसको नहीं माने तो। वह उस दिन यह कानून तोड़ेगा जिस दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। जनरल ने सही बताया, उसे कानून तोड़ना है तो तोड़ने दो। मिस्टर गांधी को पता चलेगा कि नमक का कानून तोड़ने से कभी नहीं झुकेगा ब्रिटिश साम्राज्य।
आदमी को नमक चाहिए जैसे हवा और पानी। ये नमक हमारे अपने समंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। चुटकी भर नमक से गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। नमक आंदोलन का प्रभाव बहुत गहरा रहा। 5,000 शहरों और गांवों में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। सभी जगह लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाते समय भी लोग शांत होकर बैठे। 15 मई को गांधी जी गिरफ्तार हुए। मिस्टर गांधी, आपको ये बताना होगा कि आज रात को किस विषय पर बोलेंगे आप। खुराक में बकरी का दूध कितना जरूरी है, पर तुम ये भी सुन लो कि मैं हिंदुस्तान की आजादी पर भी बात करूंगा। सॉरी सर, इस पर बंदिश है, ले जाओ इसे। आप मुझे जंजीरों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते हैं। चलिए मिसेज गांधी, मुझे ऑर्डर है कि आपको सम्मान के साथ गांधी आश्रम में छोड़ दूं। अगर गांधी जी पर बंदिश है तो मैं उनकी जगह भाषण दूंगी। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक या दो बात रखना चाहूंगा। आप सभी इस बात को समझो कि अहिंसा से ही हमारी जीत है और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को मैं आज कह रहा हूं। भगवान ने मुझे अहिंसा का मार्ग दिखाया और मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूं। भगवान ने मुझे अहिंसा के रूप में एक मूल्यवान हथियार दिया है। हमारी कार्यकारिणी समिति का बनाया हुआ प्रस्ताव भी अहिंसा पर आधारित है। यदि आप में से किसी को भी अहिंसा पर भरोसा नहीं है तो कृपया वे इस प्रस्ताव के लिए वोट न करें। महात्मा गांधी की जय। उसी रात को गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, यह नारा यूसुफ मेयर अली ने दिया। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने के पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। लेकिन आंदोलन का स्वरूप व्यापक था। अंग्रेजों को इसका अंदाजा नहीं था कि सभी बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी यह आंदोलन इतना व्यापक रूप ले लेगा। स्वराज ही मोर मन भायो, स्वराज ही
1944 जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वॉयसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया, लेकिन जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग करता रहा। आखिर भारत के विभाजन के साथ भारत को आज़ादी मिली। अगस्त 15, 1947, गुलामी का अंधेरा पार कर हिंदुस्तान आज़ादी की सुहानी भोर देख रहा था। झंडा फहराने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लाल किले के सामने एकत्रित लोगों को संबोधित किया। ये हमारे लिए सौभाग्य का समय है, एक नई उम्मीद का जन्म हुआ है। हमें कहां जाना चाहिए और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए जिससे हम आम इंसान, किसानों, कामगारों और हर नागरिक को आजादी का फल दिला सकें, हम गरीबी, अज्ञानता, औष्ण बीमारियों से लड़ सकें और ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें जो हर इंसान के लिए जीवन की पूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके।
মোহনায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তরে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি ঘুরে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের Thank you.
सारा देश आजादी का जश्न मना रहे थे, जगह जगह विभाजन के कारण काफी दंगे भी भड़क उठे थे। गांधी जी जगह जगह जाकर जुल्म और सितम सह रहे लोगों को सांत्वना देने और दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गहरी मनोव्यथा के बाद नफरत को रोकने के लिए आमरण अनशन का निर्णय लिया गया। सत्याग्रही, लाचार और विवश होकर देश का सर्वनाश देखने की अपेक्षा बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। चिंता भरी घड़ियां यूं यूं निकलने लगीं और उपवासी के शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। कर्तव्य की भावना जागने लगी और सभी जातियों के लोग फिर से मिलने लगे। बापू, दंगे अब बिल्कुल बंद हैं, सभी जगह मारकाट खत्म हुई है। सभी मंदिरों और मस्जिदों में लोगों ने कसम खाई है कि वे हाथ नहीं उठाएंगे। ये सच है। बापू उठिए, अब अनशन समाप्त कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा संतरे का रस दीजिए। January 30, 1948, गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए आ रहे थे। वैष्णव जन को देने कहिए जे वीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए जे। बापूजी को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। राम, हे राम। अहिंसा के पुजारी की बड़ी ही हिंसात्मक तरीके से निर्मम हत्या की गई। प्रेम और विश्व बंधुत्व से सबको एक सूत्र में बांधने के लिए शांति दूत ने अपना बलिदान दिया। वे लोगों के दिल में समाकर उनके लिए एक मिसाल बन गए। वे भारत का गौरवमय अतीत और उज्जवल भविष्य दोनों के प्रतीक थे। जीवन की तरह वे मौत पर भी विजयी रहे। उनके पताखा सत्य और शस्त्र थे, प्रेम और अहिंसा। उनके लिए सर्वोत्तम श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उन सिद्धांतों को अपनाएं जिनके लिए बापू जिए और मरे। हम सब मिलकर भारत को गौरवशाली और महान देश बनाएं। जुनून है नव भारत का, जुनून है हम इसकी शान है, तुझ पे दिल कुर्बान है। गाओ साथी झूम के, वतन की माटी झूम के। शक्तिशाली स्वर्ग समान, हम बनाए देश
सबसे स्ट्रॉन्ग। नफरत का जो बीज बोए पढ़ने ना देंगे हम, सुल्मों का जो बीज बोए पढ़ने ना देंगे हम, चाहे वो समझे कितने हैं रॉन्ग। प्रेम का एक तारा बजाकर गल गली लिखेंगे हम नया सॉन्ग।